अब हम पूछेंगे स्मिता ठाकरे से पांच तीखे सवाल। अगर आपको ठाकरे नाम लायबिलिटी दिखाई देता है कि नहीं? मैं बिल्कुल उसको लायबिलिटी नहीं कहना चाहूंगी। मैं इनफैक्ट यही कहना चाहूंगी कि एक औरत जब अपनी आइडेंटिटी, अपने माँ बाप की आइडेंटिटी छोड़ के एक पति के घर में जाती है, वो पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी चेंज करती है। आज 23 साल में ये आइडेंटिटी लेके उस घर में रह रही हूँ। पहला नाम क्या था स्मिता ठाकरे से पहले? चित्रे। हाँ, तो आज आप स्मिता हैं या स्मिता ठाकरे या स्मिता चित्रे हैं? मैं स्मिता ठाकरे हूँ और मैं स्मिता ठाकरे रहूंगी, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया है, उनका नाम भी ठाकरे है, उस परिवार से जुड़ा हुआ है, और मेरी आइडेंटिटी और मेरे बच्चों की आइडेंटिटी अलग नहीं हो सकती। अगर बाला साहब आपको कहें कि आप शिवसेना का झंडा उठा करके यूपी वाले और बिहार वालों की पिटाई करना शुरू करिए, तो करेंगे कि नहीं? आप निकलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवसेना ज्वाइन करेंगे कि नहीं आप वापस, अगर बाला साहब कहें आपको? नहीं, वो तो कहेंगे नहीं, मुझे पूरा पता है, पूरा यकीन है, क्योंकि अगर करना होता तो आज तक वो करते। और शिवसेना की वजह से शायद एक स्मिता ठाकरे की जरूरत पड़े उनको। नहीं, मैं तभी हाथ जोड़ के कहूंगी कि मुझे अभी कुछ नहीं करना है। आपने अपनी जिंदगी में ऐसा लगता है बड़ी गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी आपको? नहीं, मैं कोई रिपेंट नहीं होती हूँ। तो राज ठाकरे आपको बुलाएं अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए? नहीं, मैं कोई वैसे राजनीति के बारे में कोई उनके साथ बात होती नहीं है, और मेरे और उनके विचार, जो पक्ष के विचार है उनके, वो मुझे भाते नहीं है, तो सवाल ही पैदा होता। एक बात है, स्मिता ठाकरे का सपना क्या है? नहीं, बस सपना मेरा यही है कि मैं एक आदर्श नारी शक्ति बनूं, आदर्श माँ बनूं और आदर्श समाज सेविका बनूं, यही मेरा एक सपना है। और मैं आप सभी के आशीर्वाद से आज यहाँ तक पहुंची हूँ। बड़े होके मेरे बच्चों ने मुझे यही कहना चाहिए कि हाँ, स्मिता ठाकरे हमारी माँ है। चलिए स्मिता जी, आपकी इस यात्रा में हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे और फिर सवाल पूछेंगे, फिर आपके सपने की बात करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।